हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर हम मेमोरी ग्लैंड और गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये 12th क्लास में चैप्टर आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसका पार्ट है। तो हम नीट और आपका 12th क्लास का जो बोर्ड है, दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। आपको जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी के मिलेंगे, साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी। जो एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने एक्सप्लोर करनी है, उसके मीनिंग को जानना है। एनसीईआरटी की लाइन आपको ब्लैक कलर में दिखेंगी और रेड कलर में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जो एनसीईआरटी की लाइनों से एक्स्ट्रा है। बट एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए वो चीज़ें भी जरूरी होती हैं। ओके बेटा, चलिए तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। वीडियो आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम के लिंक के बारे में, तो अपने साथियों को उसमें ऐड ऑन आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अब मेमोरी ग्लैंड क्या है बेटा? मेमोरी ग्लैंड एक आउटग्रोथ है, ठीक है, किसके ऊपर? चेस्ट के ऊपर। चेस्ट पे कहाँ? जो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होते हैं चेस्ट के ऊपर, इनके ऊपर एक आउट ग्रोथ है और इस आउट ग्रोथ को हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आउट ग्रोथ है यानी ब्रेस्ट, जिसको मेमोरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसके अंदर मेनली जो टिश्यू बना हुआ है बेटा, वो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी हुई। मेमोरी ग्लैंड एक टाइप की मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। जो स्वेट ग्लैंड है उसकी मोडिफिकेशन से ये बनी है। इसके अलावा मेल के अंदर ये इनएक्टिव होती है, या यूं कहें कि रूडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर बेटा दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर इनको मेमोरी लोब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी लोब्स। तो एक ब्रेस्ट के अंदर या एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो मेमोरी लोब होते हैं, इसका जो नंबर होता है वो 15 से 20 होता है, 15 to 20 होता है, ठीक है। अब लोब के अंदर क्या है? एक लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं, जिसको हम मेमोरी एल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो मेमोरी एल्वियोलाई होती हैं, यही बनाती हैं, यही प्रोड्यूस करती हैं, यही सिक्रीट करती हैं मिल्क को। तो सिक्रीशन और प्रोडक्शन एक ही चीज होती है बायोलॉजी में। तो यही प्रोड्यूस करती हैं या सिक्रीट करती हैं मिल्क को। अब जैसे कि मैं कुछ मेमोरी एल्वियोली बना देता हूं, जैसे मैंने ये कुछ मेमोरी एल्वियोली बनाई। अब एक मेमोरी एल्वियोली में से एक डक्ट निकल रही है, इसमें से भी डक्ट निकल रही है, और बेटा इसमें से भी डक्ट जो है वो निकल रही है। तो मेमोरी एल्वियोली से जो डक्ट निकलती है, दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं उसे? मेमोरी ट्यूब्यूल, ओके। अब जो मेमोरी ट्यूब्यूल होते हैं वो आपस में मिल जाया करते हैं और एक डक्ट बन जाती है। उस डक्ट को हम लोग, जैसे ये एक डक्ट बन गई, ये डक्ट, इस डक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट। यानी ये एक मेमोरी डक्ट है, ये भी एक क्या है? मेमोरी डक्ट, ओके। अब जो मेमोरी डक्ट होती हैं, एक मेमोरी डक्ट ये और एक मेमोरी डक्ट ये मेमोरी डक्ट मिलने से एक कॉमन डक्ट बन जाती है, ठीक है। अब ये कॉमन डक्ट ऐसे एम्प्यूला बनाती है और फिर ये ऐसे बन जाती है, ओके, और ये फिर ऐसे ओपन हो जाती है। अब हमें ये देखना है, यानी कई सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिल गई, आपस में मिलने के बाद वो एक स्वेलिंग बनाती है, उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। और इसी को हम एम्प्यूला भी बोलते हैं, लैक्टिफेरस साइनस को ही एम्प्यूला भी बोलते हैं।
इसके अंदर रिजर्व अमाउंट में मिल्क होता है। जैसे बेबी मिल्क सकलिंग स्टार्ट करता है तो यहां से मिल्क उसको मिल जाता है, उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन साथ साथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इंटायर स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा? ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी अब हमें बात चली कि जो मेमोरी एल्वियोली होती हैं उसकी डक्ट का नाम मेमोरी ट्यूब्यूल है। मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। कई सारी मेमोरी डक्ट मिलकर एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे ये एक मेमोरी डक्ट हो गई, ये हो गई, तो कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्वोलन स्ट्रक्चर को लैक्टिफेरस साइनस या एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला जो होता है उसके बाद जो डक्ट होती है उसका नाम लैक्टिफेरस डक्ट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो एक लोब होता है उसको एम्प्टी करने का, उसको खाली करने का काम एक ही डक्ट करती है। इसका मतलब लैक्टिफेरस डक्ट का नंबर भी 15 से 20 हुआ। अब देखो कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है ऐसे, कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट ओपन हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो लगभग 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जिस एरिया में ओपन होती हैं उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? निपल कहते हैं। यानी हम ये देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये एरिया बेटा क्या है? ये निपल है। तो निपल के अंदर किसकी ओपनिंग होती है? लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग होती है। लैक्टिफेरस डक्ट का नंबर कितना है? 15 से 20 है। यानी एक मेमोरी लोब को एम्प्टी करने के लिए एक लैक्टिफेरस डक्ट है। ओके, क्लियर है? अब यहां पे जो निपल होता है, ये मान लो निपल है, निपल के आसपास की जो स्किन होती है ये पिगमेंटेड स्किन होती है माय डियर। और इस पिगमेंटेड स्किन को क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। तो एरियोला इज पिगमेंटेड स्किन अराउंड निपल। इसका भी सिग्निफिकेंस होता है। इसका सिग्निफिकेंस ही होता है, ये स्किन थोड़ी टफ होती है, ये मेमरी ग्लैंड को वियर और टीयर से बचाती है। इसके अलावा इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जैसे बेबी का माउथ एरियोला की स्किन को टच करता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंसरी नर्व इम्पल्स या सेंसरी स्टिमुलस सेंसरी न्यूरोन से होते हुए ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन के अंदर आपको पता है हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है। वहां से हार्मोन रिलीज होता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और उसको बोलता है कि प्रोलैक्टिन सिक्रीट कीजिए। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के पास आता है और इनको बोलता है कि मिल्क सिक्रीट कीजिए। ठीक है, अब ये जो नर्व इम्पल्स है, जब बेबी टच करता है निपल को तब भी स्टिमुलेट हो सकता है, बेबी के बारे में सोचने से भी स्टिमुलेट हो सकता है, उसके क्राइंग के बारे में भी यानी इमोशनल होने से भी ये नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट हो सकता है। समझ में आया? तो तभी ऐसा होता है कि कई बार बेबी के रोने से लैक्टेशन अपने आप स्टार्ट होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ बातें थी। तो आई थिंक ये सारी स्ट्रक्चर हमने देख ली। अच्छा, एक फैट के बारे में हमने बात बतानी है। यहाँ पे फैट बेटा, यहाँ पे जो होता है वो एडिपोज फैट होता है मेनली। अब जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो फैट की वजह से होता है। जो मेमरी लोब्स होते हैं, मेमरी लोब का नंबर लगभग सब में 15 से 20 होता है, बट मेमरी लोब के बीच में फैट कितना है? तो मेमोरी लोब के बीच में फैट के एक्यूमुलेशन होने से ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइन होता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। हम पहले एनसीईआरटी में जो लिखा उसको देखते हैं कि ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स। मैमल्स के जो फीमेल होते हैं, तभी तो उनका नाम मैमल्स है, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल देन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, नॉट नॉन फंक्शनल, क्योंकि नॉन फंक्शनल तो मेल में भी होती है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है जो ग्लैंड बनाता है, प्लस इसमें फैट होता है, फैट एडिपोज फैट होता है जो ब्रेस्ट का साइज डिटरमाइन करता है। क्लियर है? ग्लैंडुलर टिश्यू 15 to 20 लोब्स में डिवाइडेड है जिसको मेमोरी लोब कहते हैं। मेमोरी लोब में स्ट्रक्चर होती है एल्वियोली, और एल्वियोली मिल्क सिक्रीटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये मिल्क सिक्रीट करती है जो एल्वियोली के ल्यूमन में इकट्ठा हो जाता है। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी लिखता है कि जो एल्वियोली होती है इट ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। पता है हमें जो एल्वियोली होती हैं उनकी जो
डक्ट होती है बेटा, उस डक्ट का ही नाम क्या होता है, एरा। डक्ट का नाम मेमोरी ट्यूब्यूल होता है। अब ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, ये देखो ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंट टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। देखो ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइंट टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। हर एक लोब के, यानी जो मेमोरी लोब है उसके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सारे मिलके क्या बना देते हैं, वो कह रहा है कि वो मिलके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। बट बेटा मेमोरी डक्ट का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, यानी जो एक लोब है ना, एक लोब के अंदर बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, बट एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन। मोर देन वन क्या होते हैं, मेमोरी मेमोरी डक्ट होती है। और जितना लोब होता है उतना ही क्या होता है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, ये ध्यान रखना। तो लैक्टिफेरस डक्ट और मेमोरी डक्ट में से नंबर किसका ज्यादा हुआ, मेमोरी डक्ट का नंबर ज्यादा होता है लैक्टिफेरस डक्ट की, या ज्यादा से ज्यादा इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अगर नंबर ज्यादा की बात आए तो मेमोरी डक्ट आएगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है, लैक्टिफेरस डक्ट और मेमोरी डक्ट का नंबर इक्वल हो सकता है, या मेमोरी डक्ट का नंबर लैक्टिफेरस डक्ट से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक लोब से एक ही लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है, परंतु एक या एक से ज्यादा मेमोरी डक्ट निकल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, देखो सेवरल मेमोरी डक्ट, कई मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब यहां पे देखो दो बातें कंट्राडिक्ट कर रही है, ये दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर रही है। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक लोब से एक ही मेमोरी डक्ट निकल रही है। इस लाइन को पढ़ने से ऐसा लगता है, देखो सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म ए वाइड मेमोरी एम्पुला और लैक्टिफेरस साइनस विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। अब हमें पता है लैक्टिफेरस डक्ट का नंबर उतना ही होता है जितना लोब्स का होता है ना? इसका मतलब मेमोरी डक्ट का नंबर लैक्टिफेरस डक्ट के नंबर जितना हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार दोबारा देखो, मान लो 15 से 20, मान लो 20 मेमोरी लोब है, तो जो मेमोरी डक्ट होती हैं वो या तो 20 होंगी या इससे ज्यादा होंगी, लेकिन जो लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं वो हमेशा उतनी ही होती हैं जितने मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है, इसलिए कई बार एनसीईआरटी की दो लाइनें कंट्राडिक्ट कर जाती हैं। इसका कंट्राडिक्शन का रीजन ये है कि यहां पे इसने मान रखा है कि जितने लोब हैं उतने ही मेमोरी डक्ट है, इस लाइन के अंदर इसने मान रखा है जितने लोब हैं उससे कुछ ज्यादा मेमोरी डक्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, या तो उतनी हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, फीमेल अनडेवलप्ड इन फीमेल अंटिल प्यूबर्टी, मेमोरी ग्लैंड फीमेल के अंदर प्यूबर्टी तक क्या रहती है, अनडेवलप रहती है। क्यों अनडेवलप रहती है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है। जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट होने के ऊपर एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल फ्लक्चुएट होने लगता है, कभी साइकिल में ज्यादा कभी कम, और प्रेगनेंसी ज्यादा सॉरी प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव हो जाती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब यानी प्यूबर्टी आने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल साइकिल के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन का भी साइकिल के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन का लेवल कम रहता है एक्सेप्ट व्हेन प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव। अब मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में कौन कौन से हार्मोन का रोल हुआ, प्रेगनेंसी से पहले दो हार्मोन का रोल होता है, एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए तो तीन हार्मोन का रोल होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज प्रोलैक्टिन। तो अगर क्वेश्चन आए कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मेमोरी ग्लैंड को कौन डेवलप कराता है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आंसर होगा। प्रेग्नेंट में कौन डेवलप कराता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लस प्रोलैक्टिन। इनका एक्शन जो होता है वो सिनर्जिस्टिक होता है, यानी एक दूसरे के
सेम डायरेक्शन में होता है, क्लियर है। एरियोला जो होता है वियर टियर और इरिटेशन से बचाता है। मेमरी ग्लैंड एक टाइप का मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड है एंड दिस इज ए काइंड ऑफ कंपाउंड ट्यूब्यूलो सर्कुलर ग्लैंड। रेड लाइन का मतलब एक्स्ट्रा बातें, दिस इज ए काइंड ऑफ कंपाउंड ट्यूब्यूलो सर्कुलर ग्लैंड। इसका मतलब ये होता है, देखो ये एक स्ट्रक्चर है, अब इसमें से तीन ब्रांच निकली, इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। अब इसमें से और ब्रांचेज निकल जाए और इनका जो टर्मिनल एंड है उस पे इस टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो ग्लैंड के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग कंपाउंड बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। अब देखो ब्रांचिंग ज्यादा है इसीलिए बोला गया है कंपाउंड। ये जो लाइनिंग है, ये जो डक्ट है, ये ट्यूब्यूल्स लाइक होती है इसलिए बोला गया है ट्यूब्यूलर। इनके टर्मिनल एंड पे राउंड से स्ट्रक्चर होती है इसीलिए वर्ड यूज किया गया है सेकुलर। सो वी कैन से मेमरी ग्लैंड कैसी हुई? कंपाउंड हुई, ट्यूबुलर हुई और सेकुलर। रीजन समझ में आ गया होगा। अब एडिपोज टिश्यू का अमाउंट ब्रेस्ट के साइज को डिटरमाइन करता है क्योंकि लोब्स के बीच में ये डिपोजिट हो जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड को बनाता है, लेकिन बेटा यहां पे एक टिश्यू और होता है फाइबरस टिश्यू, ये होते हैं कोलेजन फाइबर। बेटा जो एलिवियोली की वॉल होती है, लैक्टिफेरस डक्ट या जो मेमरी ग्लैंड के डक्ट होते हैं उसकी जो वॉल होती है उसको टफनेस प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? फाइब्रस टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड बनाता है और फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्लियर। अब देखते हैं कि किस तरीके से मिल्क का फ्लो होता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इनको आगे पीछे कर देता है, उससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखना, ग्लैंडुलर टिश्यू ने क्या बनाया? 15 to 20 मेमरी लोब्स बनाए। हर एक लोब के अंदर बहुत सारी मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इन मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर को एल्विओली कहते हैं। मान लो ये एल्विओली का जो नंबर है, मान लो वो नंबर 50 है, ठीक है, एक लोब में। अब एक एल्विओली की जो डक्ट होती है उसको मेमरी ट्यूब्यूल कहते हैं, तो मेमरी ट्यूब्यूल का नंबर भी बेटा कितना हुआ? 15। अब कई सारे मेमरी ट्यूब्यूल मिलके मेमरी डक्ट बनाते हैं, तो मेमरी डक्ट हमने कितना मान लिया? 20 मान लिया, क्योंकि या तो ये नंबर इक्वल होता है, आइदर इक्वल टू मेमरी लोब और मोर, ठीक है, या तो उसके बराबर होता है या उससे कुछ ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि कई सारे मेमरी ट्यूब्यूल मिलके मेमोरी डक्ट बनाते हैं एक डक्ट, ठीक है। तो मेमोरी डक्ट निकली किससे निकली? मेमोरी लोब से निकली। लेकिन अगली ही बात में एनसीईआरटी ने यह कह दिया कि कई सारी मेमोरी डक्ट मिलके एक एम्प्यूला बनाते हैं और एम्प्यूला से मिलके लैक्टिफेरस डक्ट बनता है। लेकिन हमें पता है लैक्टिफेरस डक्ट जो होता है उसका नंबर 15 से 20 होता है, तो फिर कई सारे मेमोरी डक्ट कैसे हुए? कई सारे मेमोरी डक्ट तभी हो सकते हैं जब इनका नंबर लैक्टिफेरस डक्ट के नंबर से ज्यादा हो। तो इसीलिए एक्चुअल में क्या होता है कि इनका नंबर, मान लो ये 20 है लोब, तो ये डक्ट का नंबर या तो 20 होगा या 20 से ज्यादा होगा, ठीक है। तभी एनसीईआरटी के वो दो पॉइंट एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, नहीं तो कंट्राडिक्ट हो जाएगा। कभी कह रहा है एक लोब से एक डक्ट निकल रही है, कभी कह रहा है ज्यादा निकल रही है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के। अब सही है, तो मेमरी ग्लैंड मान लो एक लोब से एक ही मेमरी डक्ट निकली, तो मेमरी डक्ट होगी 20, तो 20 लोब थे, मेमरी डक्ट 20 हुई। अब ये जो मेमरी डक्ट है ये ऐसी थोड़ी सी स्वोलन हो जाती है, और बेटा स्वोलन हो जाती है तो उसको लैक्टिफेरस साइनस और एम्पुला बोलेंगे, तो इसका नंबर कितना हुआ? इसका नंबर भी 20 हो गया। उसके बाद एक एम्पुला को खाली करने के लिए कितना हुआ? मान लो 20 लैक्टिफेरस डक्ट हो गया जो बाहर की तरफ ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि पहले ट्यूब्यूल, फिर डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट यानी टीडीएल। मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट,
देन लैक्टिफेरस डक्ट। इस तरीके से मिल्क का फ्लो होता है, ये मिल्क के फ्लो की डायरेक्शन है। ओके, अब बात आती है लैक्टेशन की। लैक्टेशन के बारे में देखते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड होती है दे अंडर गो डिफरेंशिएशन। यहां पे डिफरेंशिएशन, जैसे कि आपको पता है कि जो टिश्यू मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद टिश्यू की जब फंक्शन डिसाइड होती है, दैट वर्ड इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, व्हेन टिश्यू बिकम फंक्शनल। सो दे अंडर गो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज लैक्टेशन। तो एनसीईआरटी कहता है कि मेमरी ग्लैंड जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी वो मैच्योर हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है। कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तीन हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रेग्नेंट वुमेन होगी ना तो तीनों हार्मोन, नॉन प्रेग्नेंट में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिर्फ दो हार्मोन। ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी अपने लास्ट टर्म पे पहुंचता है, जैसे बेबी का जन्म हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाता है। उसकी वजह से मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मिल्क इजेक्शन का मतलब होता है मिल्क का मेमरी ग्लैंड से बाहर निकल के बेबी के माउथ में गिरना। माउथ जो मिल्क होता है बेटा, बेबी मिल्क को सक नहीं करता क्योंकि उसके मसल्स इतने स्ट्रोंग नहीं है। मिल्क अपने आप ही बेबी के माउथ में गिरता है, उसे तो जस्ट निगलना होता है। इसका भी कारण होता है, आगे बताऊ। तो सिक्रीशन और प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार हुआ? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन के लिए यानी मिल्क के रिमूवल के लिए, बेबी के माउथ में आने के लिए कौन सा हार्मोन हुआ? ऑक्सीटोसिन। एक्चुअली क्या होता है, प्रेगनेंसी से पहले इजेक्शन क्यों नहीं हुआ मिल्क का, सॉरी बर्थ से पहले, पार्टुरेशन से पहले? तो बच्चे के जन्म से पहले प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल काफी हाई होता है। और उसका इनिबिटरी इफेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन पे। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं तो ऑक्सीटोसिन अपना काम नहीं कर पाता क्योंकि दोनों का इनिबिटरी एक्शन है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन के ऊपर से इनका जो इनिबिटरी इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है और ऑक्सीटोसिन एक्शन में आ जाता है और मिल्क इजेक्शन स्टार्ट कर देता है। मदर के ब्रेस्ट में जो पहले तीन चार दिन तक जो मिल्क निकलता है मदर के ब्रेस्ट से, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। और बेटा उसमें एंटीबॉडी होती है IgA, सिक्रीटरी एंटीबॉडी इसको बोलते हैं। इस एंटीबॉडी से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, इसीलिए बोलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो बच्चों का, वो बोलेगा कि मदर मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा कोई भी कंपनी ने अभी तक फॉर्मूला नहीं बनाया है मिल्क फॉर्मूला, इसलिए मदर मिल्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। उसका रीजन है ये एंटीबॉडी, क्योंकि इन एंटीबॉडी को दूसरे किसी तरीके से पाउडर फॉर्म में दिया नहीं जा सकता। इसके अलावा बेटा इसमें वाटर का अमाउंट, प्रोटीन की अमाउंट ऑप्टिमम होती है, ठीक है, इसलिए इस मिल्क को डाइजेस्ट करना आसान होता है। पाउडर वाला मिल्क बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाता अच्छे से, उसको लूज मोशन वगैरह या कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है, बट ये डाइजेस्ट करना आसान होता है। एक और रीजन होता है कि ये मिल्क बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर है और बच्चे का टेम्परेचर भी इतना ही, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अगर पाउडर बाहर रखा है एसी में रखा है तो वहां तो 20 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री टेम्परेचर है, बच्चे का 37 है, ठीक है ना। तो ये भी कुछ डिफरेंस होते हैं जिस वजह से जो पाउडर्ड मिल्क है या जो मिल्क फॉर्मूला वाला जो मिल्क होता है वो लेस डाइजेस्टिबल होता है इस मिल्क के कंपेरिजन। इसमें एक लैक्टालबुमिन प्रोटीन भी होती है जो बच्चे के मसल्स को बनाती है। ओके, ये रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए कौन है? एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है डॉक्टर इनिशियल टाइम में रिकमेंड करते हैं, ये मैंने आपको बात अभी बताई है। ओके बेटा, वीडियो अच्छा लगता है साथियों को बताओ, यहाँ कोई पैसे तो ले नहीं रहे, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस फ्री में कराएंगे, ठीक है। चलिए मिल्क के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। मिल्क के अंदर कुछ फैट ड्रोपलेट है, केसिन प्रोटीन होती है, इसके बारे में आपने सुना होगा, लैक्टोज होती है, मिनरल्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए बेबी को बचपन में विटामिन सी अलग से दिया जाता है
तो विटामिन सी नहीं होता, आयरन नहीं होता, इसके अलावा विटामिन डी भी कम होता है। ठीक है, मिल्क सिक्रीशन को नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से पीआरएच निकलता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस का जो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाया करता है वो निकलता है। बनता हाइपोथैलेमस में है ऑक्सीटोसिन, स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। ओके, डेली सिक्रीशन 1 से 2 लीटर हो सकता है। आपने बेटा एक चीज कॉमनली देखी होगी कि जब मदर चाहते हैं कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ना करे, तो मदर 4-5 दिन बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती। मिल्क के अंदर इनहिबिटरी पेप्टाइड होते हैं, और जब ये पेप्टाइड जब मिल्क एम्पुला में होता है तो ये पेप्टाइड बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये पेप्टाइड फर्दर मिल्क फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देते हैं। यानी ये इनहिबिटरी मिल्क पेप्टाइड के स्टोर होने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और जो मिल्क एल्विओली होती है बेटा, मान लो ये मिल्क एल्विओली है, इनके अराउंड में मसल्स होती है माय डियर, एंड दीज मसल्स आर नोन एज मायो एपिथेलियल मसल्स या मायो एपिथेलियल सेल्स। छोटे छोटे मस्कुलर सेल्स होती हैं। जब ऑक्सीटोसिन आता है इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। ऑक्सीटोसिन जब आता है इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, और बेटा जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनमें जो मिल्क है वो रिलीज हो जाएगा और अपने आप ही बेबी के माउथ में गिरेगा। यानी मायो एपिथीलियल जो मसल्स है या जो सेल्स, इनके कॉन्ट्रेक्शन से मिल्क रिलीज होता है, ना कि बेबी सक करता है। बेबी तो जस्ट मदर को, मदर का जो ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है इसको स्टिमुलेट करता है ताकि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन आ जाए। बाकी का काम ऑक्सीटोसिन अपने आप कर देता है। ओके बेटा, तो मिल्क एल्विओली प्रोजेस्ट्रोन के अंडर डेवलप होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है प्रोजेस्ट्रोन का लेवल इंक्रीज होता चलता है। पहले कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, बाद में प्लेसेंटा सिक्रीट करने लग जाता है। तो मिल्क एल्विओली डेवलप होती हैं। वैसे देखो मिल्क एल्विओली का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें तीनों हार्मोन का रोल होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन का होता है, एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्ट्रोन का होता है। ठीक है, लेकिन उनमें मिल्क प्रोडक्शन की जो शुरुआत होती है, सॉरी इनकी जो डेवलपमेंट होती है मिल्क एल्विओली की, डेवलपमेंट के अंदर जो ज्यादा रोल होता है एस्ट्रोजन से वो प्रोजेस्ट्रोन का होता है, और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर किसका रोल होता है, प्रोलैक्टिन का होता है। इजेक्शन के अंदर किसका रोल होता है बेटा, इजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन का होता है। ठीक है, तो एल्विओली डेवलप अंडर हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रोन। तो वेरी हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन इनहिबिट सिक्रीशन ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ऑक्सीटोसिन, ये मैंने आपको बताया है। अब सकिंग ऑफ निपल से क्या होता है, नर्व इंपल्स स्टिमुलेट हो जाता है जो हाइपोथैलेमस के पास जाता है, वहां से हाइपोथैलेमस से पीआरएच आता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन आता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मायो एपिथेलियल सेल पे काम करेगा, वो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मिल्क का इजेक्शन होगा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, वहां से प्रोलैक्टिन आएगा, प्रोलैक्टिन ब्लड के थ्रू मेमरी ग्लैंड पे जाएगा, वहां पे मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो तीनों हार्मोन मिलके करते हैं। क्लियर है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब ये मिल्क एल्विओली को, अगर सिर्फ एल्विओली को डेवलप करने की बात आ जाती है कहीं पे, तो फिर आपने प्रोजेस्टेरोन बताना है। कुछ डिसऑर्डर देखते हैं बेटा। ब्रेस्ट कैंसर, ये 40 की एज के बाद होने के चांस होते हैं। उस केस में ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, और ब्रेस्ट के रिमूव करने को बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं, मैस्टेक्टोमी। बेटा कई बार इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होता, फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है। यानी जो डेवलपिंग फीटस है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, उसका अटैचमेंट यूट्रस में ना होकर फिलोपियन ट्यूब में हो जाता है, उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओफोराइटिस
बेटा ओवरी की जो इन्फ्लामेशन होती है उसको ओफोराइटिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर का टिश्यू, कई बार हम मैंने आपको बताया ना जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की इनर लाइन होती है, इनर लाइन की कई बार ग्रोथ फिलोपियन ट्यूब के अंदर या सर्विक्स के अंदर चली जाती है। तो जब एंडोमेट्रियम की बेटा एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, फिलोपियन ट्यूब या सर्विक्स के अंदर भी ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम की, तो उसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। इसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। ओके बेटा, एक बड़ी फेमस डिजीज है, दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक आंकड़े के हिसाब से इंडियन वुमेन में 10% वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है। उनमें मेंस्ट्रुएशन पर मंथ नहीं होता, 3-4 महीने में एक बार होता है। इसको ओलिगो ओवुलेशन भी बोल देते हैं। मेटफॉर्मिन वगैरह की मेडिसिन ली जाती है इसको ठीक करने के लिए। तो पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी जो होती है उसमें सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट बन जाने की वजह से जो ग्रेफियन फोलिकल होता है वो अच्छे से नहीं बन पाता। ग्रेफियन फोलिकल का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए ग्रेफिन फोलिकल जो हर महीने बन जाना चाहिए था वो 3 या 4 महीने में एक बार बन रहा है। कुछ केसेज में सिस्ट बहुत ज्यादा हो जाने से इनफर्टिलिटी के चांस भी हो जाते हैं। और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसका कोई, सिर्फ डाइट कंट्रोल है और मेटफॉर्मिन जो आजकल चलती है वो दी जाती है इसमें, वो डाइट कंट्रोल। बट जरूरी नहीं है कि इनफर्टाइल वो पर्सन होंगे ही होंगे, ये चांस पे डिपेंड करता है। इनफर्टिलिटी के चांस पीसीओडी के पर्सन में थोड़े से ज्यादा होते हैं ये कह सकते हैं। ओके डियर, तो ये था आज अपना मेमरी ग्लैंड के बारे में मैंने जब अपने आपको सारा बताया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे, पहले हम स्पर्म फॉर्मेशन को देखेंगे यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर हम देखेंगे ऊजेनेसिस। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताया करो, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइए। हमारा चैनल है एजुकेशन फॉर ऑल, उसके बारे में बताइए। टेलीग्राम पे हम लोगों से जुड़िए, आप लोगों को पढ़ने के लिए कुछ हम नोट्स देंगे, कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।